गुड आफ्टरनून छात्रों, आज कक्षा ग्यारह रसायन विज्ञान में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, उसमें हम जो है आवर्त सारणी का अध्ययन कर रहे हैं। पहले जो है मूल आवर्त सारणी थी मेंडेलिव की, फिर उसके बाद में संशोधित आवर्त सारणी मेंडेलिव की, और लास्ट जो है पॉइंट है इसमें जो है आवर्त सारणी है दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी। इसमें आप जो है ये आवर्त सारणी में देखेंगे कि इसकी ये खासियत जो है ये है कि इस आवर्त सारणी को जो है ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे मूल आवर्त सारणी थी उसमें ब्लॉक नहीं थे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ए एस ब्लॉक है और ये सी ब्लॉक है और बीच में डी ब्लॉक है, और ये जो नीचे वाला जो होता है एंथ्रेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी वाला, इसे हम जो है यह ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ये यह ब्लॉक के तत्व, और मेंडेलीव की जो मूल आवर्त संशोधित आवर्त सारणी थी उसमें आप देख रहे थे कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी उपवर्गों को जो है एक ही साथ रखा गया था, जबकि इसमें जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी में आप देखेंगे कि जो है फर्स्ट ए कह सकते हैं उपवर्ग ए और उपवर्ग बी को अलग अलग स्थानों पर स्थान दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं उपवर्ग ए चल रहा है, फिर यहाँ से जो इसके बीच में क्या उपवर्ग बी है, फिर उसके बाद यहाँ पर उपवर्ग ए है। तो ये आवर्त सारणी जो प्रस्तुत की गई इसका मूल आधार क्या है, परमाणु क्रमांक अर्थात जो है आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर इस संशोधित आवर्त सारणी को या जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया गया है। इस आवर्त सारणी का प्रतिपादन जो है 1984 ईस्वी में IUPAC इसे कहेंगे इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब जैसे IUPAC नाम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान की एक अंतरराष्ट्रीय शाखा है। जो रसायन विज्ञान के संबंध में कोई जो है सुझाव या जो है संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो ये जो यही संस्था जो है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है। आप देख रहे हैं ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है 1984 से वर्तमान में जो है अभी IUPAC के अध्ययन चल रहा है, यदि इसमें फिर भी संशोधन करने की बात की आवश्यकता होगी तो उस संशोधन को जो है IUPAC कर सकता है। अभी तक ये जो है आवर्त सारणी प्रभावी है, अर्थात 1984 से देखा जाए तो 2020 चल रहा है, मतलब जो है 34 वर्ष हो गए इस आवर्त सारणी को जो है अस्तित्व में है। और इस आवर्त सारणी में आप देखेंगे कि 7 आवर्त है, आवर्तों की संख्या कितनी है 7 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इस आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं 7, और समूह की बात की जाए तो समूह की संख्या जो 18 है, जैसे यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यह 18 तक जाएगा, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है 18 है। और इसमें जो है आप देख रहे हैं यहां पर जो है फर्स्ट ए और सेकेंड ए उपवर्गों को जो है एस ब्लॉक के अंतर्गत रखते हैं। यस ब्लॉक में जो है फर्स्ट ए में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और ट्रांसियम, इन्हें जो है दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से नाम है, क्षारीय मृदा धातु एल्कली मेटल्स, ठीक है, इन्हें जो है एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं और इन्हें एल्कली अ
अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं, सारे मृदा धातु के नाम से जानते हैं सेकेंड एयर के तत्वों को। ये फर्स्ट एयर में इसलिए रखा गया है कि इनके वायतन कोष में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो सबसे बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन होगा यस कक्षक में भरेगा। इस कारण जब उसे यस ब्लॉक में रखा गया। अब इसका अगर सेकेंड एयर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है यस कक्षक में भरेगा और उसके ऑक्सीकरण संख्या भी दो होगी। इन्हें जो है सारी मृदा धातु के नाम से जानते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो है यस ब्लॉक समाप्त हुआ। फिर इसके बाद देखेंगे थर्ड ए के बाद जो है यहाँ से शुरू हुआ थर्ड बी वाला ये है, ये फोर्थ बी है, ये फिफ्थ बी है और ये सिक्स बी और ये सेवंथ बी। तो इसमें लिथियम हो गया बेरिलियम। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है चौथे तीसरा वर्ग है। तीसरे वर्ग में आप देखेंगे बोरान कार्बन नाइट्रोजन, बोरान कार्बन नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और क्लोरीन। ये जो है तीन लाख के तत्व है। ये थर्ड ए को जो है बोरान परिवार के भी तत्व के नाम से जानते हैं और ए वर्ग के तत्वों को कार्बन परिवार के तत्व के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ ए वर्ग को वर्ग के तत्वों को समूह के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व, सिक्स ए वर्ग के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्व, फिर उसके बाद जो है सेवंथ ए वर्ग के तत्वों को क्लोरीन परिवार के तत्व या हाइड्रोजन के नाम से पुकारते हैं। और ये जो यहाँ पर जो लास्ट में ये शून्य वर्ग है जो अठारहवें वर्ग में है इन्हें जो अक्री गैस कहते हैं। अक्री गैस इसलिए कहते हैं कि इनके वायतन कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है पूर्ण होता है, कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल होते हैं, किसी दूसरे तत्व से इन्हें संयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अपवाद स्वरूप जो आप देखेंगे जिनान के कुछ कंपाउंड जो है बनते हैं, जिनान ट्राइक्लोराइड, जिनान ट्राइक्लोराइड, जिनान के कुछ कंपाउंड बनते हैं। ये बीच वाला देखेंगे यहाँ पर जो है यहां से जो है ये जो है थर्ड बी से मैच करेगा, ये फोर्थ बी से, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स बी, ये सेवंथ बी। और इन तीनों वर्गों को जो है हम जो आठवें वर्ग के नाम से जानते हैं, हम क्या कहते हैं आठवां समूह। फिर उसके बाद ये जो है फर्स्ट बी है और ये क्या है सेकेंड बी। ये जो है बीच वाला जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्हें जो है डीप ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी कोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें जो डीप ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आठवां यहाँ पर जो है आठ नंबर पे है, इसमें जो तीनों ऊर्ध्वाधर कॉलम है इन्हें संक्रमण तत्व और सभी वर्गों को बी वर्ग और आठवें वर्ग के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व इसे इसलिए कहते हैं इनकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है, वेरिएबल होती है, इसी कारण ये जो संकुल आयन या रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें जो है यहाँ पर कहते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस तरह से जो है 3D श्रेणी के तत्व। इन्हें हम क्या कहते हैं 3D श्रेणी के तत्व, इन्हें 4D श्रेणी के तत्व, इन्हें 5D श्रेणी के तत्व के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक हो गया, फिर उसके बाद ये पी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जो पी कक्षक में प्रवेश करता है और ये जो है तीनों ब्लॉक हो गए कंफर्म रूप से। फिर उसके बाद जो है ये जो नीचे जो है यह ब्लॉक है जिसमें जो है ऊपर वाले को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, ये जो है परमाणु क्रमांक 71 से लेकर के 58 से लेकर 71 तक, यहाँ से 58 से लेकर के
71 तक और यहां से 90 से लेकर के 90 से लेकर के 103 तक, 103 तक इन्हें जो है लेटराइट श्रेणी के तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जानते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स। और यहां 90 से लेकर के 103 के तत्व के तत्व को जो है एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व या एक्टिनाइट या जो यूरोनिमोत्तर तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व के नाम से जानते हैं। ये प्रकार के तत्व है, इनमें जो इस सारणी में जो भी तत्व होंगे यदि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है यह कक्षक में प्रवेश करता है, इसी कारण से इन्हें जो यह प्रभाग के तत्व के नाम से जानते हैं। अब आप जो है इस तरह से प्रवर्धित आवर्त सारणी जो प्रस्तुत की गई कंप्लीट रूप से संशोधित होकर के 1884 ईस्वी में, तो इससे पहले जो है हमारे बहुत से वैज्ञानिक इस पर कार्य किए। जैसे देखा जाए तो रैंग है, वर्नर, गुर्री, बोर आदि वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा योगदान रहा। इसमें जो है सबसे अधिक योगदान जो है बोर है, बोर का है, जो 1913 से 1921 ईस्वी में जो है परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण संबंधी नियम का प्रतिपादन किया। फिर उसके बाद जो है इस तरह से जो है प्रवर्धित या दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाया गया और जिसका आज हम वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है इससे आगे हम जो है आवर्त और वर्गों के बारे में डिटेल से जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।